क्वांटिटीज गिवन प्लांट्स कैन फील पेन प्लांट्स क्राई मैं कह रहा हूं मान लेते हैं प्लांट्स फील पेन मैं आल्सो इन द लाइक आई एम अ बिग एनिमल व्हेदर इट्स डॉग चिकन आई मीन आई ईट राइट लव्स बट लाइक आई मीन नो नो लाइक अरे डॉग लाइक दे कट लाइक एन ऑल मैन लाइक बट लाइक आई वुड नेवर जस्ट आई थिंक आई प्रोबब्ली स्टॉप ईटिंग चिकन इफ आई एवर सी इट लाइक यू नो बीइंग स्लॉटर्ड एंड इफ आई सॉ इट गेटिंग कट आई थिंक आई प्रोबब्ली नेवर हैव मटन ever or anything even close to that पर जस्ट रैशनली पता होना आपके लिए काफी नहीं है आपके साथ वो मतलब एक डेमोंस्ट्रेशन चाहिए आपको तब फिर आपको फर्क पड़ेगा अब ये कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि साइंटिफिकली बायोलॉजिकली बिकॉज़ वी आर मेड इन सच अ वे दैट वी अलाउड टू ईट मीट यू नो इट्स लाइक आई विल टेल यू हाउ वी हैव कार्निवोरस कार्निवोरस हां हां खा सकते हैं वो तो सब समझ रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट है दैट हैज ओनली यू नो वेरी गुड बट नाउ एंड लाइक इन 2020 वी हैव कम टू अ स्टेज वेयर एंड आई एड एवरीथिंग ओके बट यू कम टू अ पॉइंट वेयर यू कैन सर्वाइव without extremely well without having it yeah yeah, yeah we can yeah. at the same time my point is even plants can feel pain plants cry main keh raha hu maan lete hain plants feel pain theek hai and they cry abhi aap abhi aapne kaha ki goat ko plant khilaoge theek hai to goat ko to pehle plant maroge फिर गोट को भी मारोगे तो एक तो प्लांट खाओगे तो कम खाओगे तो कम प्लांट मरेंगे तो अगर आप पौधों के प्रति इतना संवेदनशील है हम लोग गोट को खाएंगे तो हम गोट को खाएंगे तो प्लांट्स बचेंगे क्योंकि प्लांट्स को गोट खाते हैं I'm sorry if you didn't like my argument नहीं 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 लाइक की बात नहीं है मैं राशना नहीं है आर्ग्यूमेंट लाइक देखो आप हर चीज के साथ कहो ना कि मैं समझता हूँ मैं फिर भी मीट खाना चाहता हूँ वो चलेगा क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रेफरेंस है आप भाई दूसरे के दर्द की परवाह ना करके अपने टेस्ट की परवाह नहीं भाई वो भी अंडरस्टैंड आई एम नॉट कन्विंस्ड विद योर्स एक्चुअली लाइक अच्छा जैसे आपने कहा कि गोट को प्लांट्स गोट कहेंगे और गोट हमको कहेंगे ओके मैं आपको सिंपल एक मैथ बताता हूं मान लो कि आपके पास दो चॉइस है ठीक है एक आदमी है जो सिर्फ प्लांट्स पे अपने आप को जीवित रखना चाहता है ठीक है वो 10 प्लांट उगाएगा और वो उस पर अपना काम चला लेगा अभी एक बंदा कहता है कि भाई मुझे तो मीट खाना है तो उसको 100 प्लांट उगाने पड़ेंगे वो गोट को 100 प्लांट खिलाएगा तो 100 मौत वो हुई और एक गोट को मारेगा तो 101 तो इस हिसाब से अगर आप यदि डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं तो सिर्फ तब भी आप कम प्लांट्स को मारते हैं ये बात है तो अगर आप प्लांट लवर भी हैं आई डोंट नो आई एम सॉरी अगेन लेकिन गोट भी प्लांट्स खाते हैं हम भी प्लांट्स खाते हैं तो बाबा गोट ऐसा नहीं है ना गोट वाइल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही आपने कहा गोट डोमेस्टिकेटेड है तो यानी कि गोट को आपने जन्म दिलवाया ना जबरदस्ती और फिर वो प्लांट्स को मारने पड़ेंगे ना क्योंकि अब आपने गोट पैदा कराई फिर अब आप प्लांट्स दोगे उसको इट्स नॉट वेरी कार्बन एफिशिएंट आपको जैसे ये दैट आई एग्री दैट वे एग्री लाइक या वेरी कार्बन अरे आपको पता है इंडिया में जो 60% मक्खी उगती है वो जानवरों को खिलाने के लिए उगती है तो अगर लोग डायरेक्टली कॉर्न खाएं तो वो 60% जो है वो उगाने की जरूरत नहीं है ना बट आई थिंक वो सब ऐसे भी reasons बाद में आते हैं ऐसा थोड़ा है कि आप कह रहे हो कि अरे यार पौधों को दर्द होता है और मीट खाएं वो तो बाद में आया हम लोग ऐसे सोचा ही नहीं हम लोग ऐसे सोचे कि as he said you know like हम बचपन से खाते हुए आए हैं वो एक गलत बात है वेरी थैंक यू बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप ये वीडियोस YouTube पे क्यों नहीं डालते तो हमने YouTube पे अपना चैनल बना लिया है चैनल का लिंक है youtube.com/peoplefarm